मैं हूं सी आलोक सेठी और ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सीए का रिजल्ट आया है अभी और अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं हो पाए। मुझे पता है कैसा फील होता है कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं और हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि हम पास हो जाएंगे और हम नहीं होते हैं। बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस फेज, मैंने खुद ने ये फेस किया है फेलियर और मैं इससे बाहर निकल के आया हूँ। तो मुझे लगा कि जो मेरी जर्नी थी, जो मेरे साथ हुआ, जैसा मैंने फेस किया, जो स्ट्रगल्स मैंने देखे हैं, मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको कुछ मोटिवेशन मिले। और आप जो बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात करी और मुझे ऐसा मैसेज मिला है कि बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ना चाह रहे हैं सीए को कि हमसे नहीं होगा सर, क्या हम कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। उन लोग के लिए एक मैसेज है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आप सच में सीए बनना चाहते हैं, एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो एंड तक देखना चाहिए क्योंकि मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कि आपको पता पड़ेगा कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और उस हर एक स्टूडेंट तक मैं चाहूँगा कि वीडियो पहुँचे जो कि एग्ज़ाम में स्ट्रगल कर रहा है, पास नहीं हो पा रहा। चलिए समझते हैं लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स क्या है। क्या आपको मालूम है कि जब एक शेर शिकार करता है तो 100 बार जब वो एक अपना शिकार कर रहा होता है तो उसमें से सिर्फ 25 बार ही उसे सफलता मिलती है, 75 टाइम्स उसे असफलता मिलती है। लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स बोलता है कि 100 बार आप जब ट्राई करेंगे तो 75 टाइम्स आप फेल हो जाएंगे, ओनली 25 टाइम्स आप पास होंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। तो क्या जो शेर 100 बार शिकार कर रहा है और उसे सिर्फ 25 बार ही शिकार मिल रहा है और 75 बार वो उसे हार मिल रही है, क्या वो हार जाता है, क्या वो शिकार करना बंद कर देता है? वो आप लोग बोलेंगे कि यार ये तो भूख के कारण वो शिकार करता है, उसे ज़िंदा रहना तो शिकार करता है। ऐसा नहीं है, वो शिकार करता है क्योंकि उसे पता है कि इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर, मैं जब 100 बार भागूंगा दौड़ूंगा उसमें से मैं सिर्फ 25 बार ही सफल होऊंगा, लेकिन होऊंगा, आई हैव दैट पावर, मैं ये कर पाऊंगा। तो जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, जब आप नेवर गिविंग अप एटीट्यूड रखते हैं, तो आप जीतते हैं। फिशेस जो भी एग देती है उसमें से 50% एग्स दूसरी फिशेस खा लेती है। जब भी पेड़ पे सीड उगती है उसमें से 90% सीड्स बर्ड्स खा लेती हैं। जो भी रेन का वाटर है उसमें से 90% वाटर ओशन में चला जाता है। जो बेयर्स हैं, वो जो बच्चे होते हैं उनके, वो 50% बच्चे बिफोर पॉवर्टी मर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो नेचर में होती हैं, इट इज़ ऑल नेचुरल। और जो एनिमल्स हैं वो दे आर यूज टू इट, उन्हें पता है कि हाँ ये मेरे एफर्ट्स वेस्ट होने वाले हैं, लेकिन इस एफर्ट्स के वेस्ट होने से वो एफर्ट करना बंद नहीं कर देते हैं। सिर्फ हम ह्यूमन ऐसे हैं जिन्हें जो हमें ऐसा लगता है कि हमारा एफर्ट रिजल्ट देना चाहिए, हमारा एफर्ट वेस्ट नहीं होना चाहिए। और इसी कारण से हम एफर्ट्स करते हैं और रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, और जब रिजल्ट नहीं आते तो हम बहुत हताश हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और थक हार के एफर्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान होता है। मुश्किल होता है एफर्ट करते रहना, बने रहना, टिके रहना, लड़ते रहना। और जो बने रहता है, जो टिकता है, जो लड़ता है, वो जीत जाता है। उसके एफर्ट्स जो वेस्ट हुए हैं वो वेस्ट नहीं होते, वो उसको रिजल्ट देते हैं, लेकिन सही समय पे, जब वो अपनी कंसिस्टेंसी दिखाता है, परसिस्टेंस दिखाता है, प्रूव करता है कि वो जो एफर्ट लगा रहा है उसका रिजल्ट वो चाहता है। तो जब आप कंटिन्यूस एफर्ट लगाएंगे, फोकस होके डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, 100% रिजल्ट मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई स्टूडेंट पूरा 100% लेके पेपर में एग्ज़ाम देने जाए, पेपर देने जाए एग्ज़ाम में, और वो फेल हो जाए। आई कॉन्ट बिलीव दिस। और ऐसा आप करके देखिए, जब आप 100% एफर्ट्स के साथ एग्ज़ाम देंगे, आई बेट यू विल क्लियर इट। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हार नहीं माननी है, आपको लड़ना है, आपको टिके रहना है, आपको बने रहना है, एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक इट, मार्क माय वर्ड्स। अब मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं सीए इंटर में था, सीए P2 बोलते थे उस समय, तो मैं आई वॉज गिविंग माई P2 एग्ज़ाम। सो आई हैड डन माई प्रिपरेशन फ्रॉम बॉम्बे और मैं अजमेर आ गया था यहाँ घर पे एग्ज़ाम देने के लिए। तो तैयारी अच्छी थी, कॉन्फिडेंस था, पहला पेपर दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, एक ग्रुप
हो गया, पेपर ठीक से निकल गए। सेकंड ग्रुप कॉस्टिंग पेपर जब आया, तो कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे थोड़ा कम पसंद था, मुझे डर लगता था कॉस्टिंग से, आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन कॉस्टिंग। तो एक फियर फैक्टर हम सबके अंदर होता है, डर होता है कि हमें ये नहीं आता है, या हमें ये थोड़ा सा सब्जेक्ट ऐसा है जो मुझे थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट हूँ मैं सब्जेक्ट में। तो उस फियर के साथ में वह प्रिपरेशन मेरी चल रही थी और मैंने एग्ज़ाम हॉल में गया, डर था कि यार ये टॉपिक आ गया तो वो टॉपिक आ गया तो ये पढ़ के नहीं गया हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं आता है ठीक है। और एग्ज़ाम फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया और क्वेश्चन ऐसा था कि जो मुझे लगा कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा, लेकिन करते 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 कहीं खो गया, डर गया और कुछ कैलकुलेशंस गलत हो गई, और वो क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा था पहला ही क्वेश्चन मुझे 45 मिनट्स खा गया वो मेरे। उसके बाद मैं पैनिक मोड में आ गया और मैं कुछ भी नहीं करा पाया पेपर में। तो बाद की जो 2 घंटे 3 घंटे 3 घंटों में से 2 घंटे बजते हैं, और उस 2 घंटे में मैं बिल्कुल नम स्टेट में था, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं लिख पाया पेपर में। जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत कुछ करा और मुझे पेपर में ही पता पड़ गया था कि ये पेपर हाथ से गया, मैं नहीं पास होने वाला उस पेपर में। बहुत अपसेट था, घर आया, बहुत रोया, बहुत रोया, और मेरी मदर को मैंने बताया, मम्मी को बताया कि मम्मी नहीं होने वाला हूँ, ये नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं पास नहीं हो पाऊँगा। तो वो भी थोड़ी घबराई थी, वो बोले कि बेटा कुछ नहीं होता है, कोई बात नहीं, एक पेपर ख़राब हो गया, कल दूसरा पेपर है उस पर ध्यान दो, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, देखेंगे क्या होता है, लेकिन अगले पेपर की तैयारी करो। बट मैं इतना टूट गया था, मैं पहली बार ऐसा फेलियर मैंने अपनी लाइफ में देखा था, इतना बड़ा जो मुझे महसूस हो गया था कि मैं फेल हो गया हूँ एग्ज़ाम में, मैं नहीं कर पाया बिकॉज़ आई गेव अप। और अगले एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करने का कोई मकसद ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि यार एक एक एग्ज़ाम में जब पास ही नहीं हुए तो वापस तो देना ही पड़ेगा। तो हाफ हार्टेडली मैंने प्रिपरेशन करी सेकेंड पेपर के लिए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक और पेपर था, उसके लिए प्रिपरेशन करी, वो भी हो गया, लेकिन पता था कि यार कॉस्टिंग तो क्लियर होना ही नहीं है। फाइनली रिजल्ट आया, रिजल्ट तो पहले से ही पता था, ग्रुप 1 क्लियर हो गया, ग्रुप 2 में मेरा कॉस्टिंग में आई गॉट सम 32-34 मार्क्स और वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। बाकी 2 पेपर में 40+ आ गए थे, पास हो गया था, लेकिन एग्रीगेट नहीं बना तो मैं पास नहीं हुआ ओवरऑल। सेकेंड अटेम्प्ट में मेहनत करी, थोड़ा कॉस्टिंग को और अच्छे से पढ़ा, समझा, क्लियर हो गया, सी इंटर क्लियर। मेरे फ्रेंड्स, काफ़ी सारे फ्रेंड्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो गए थे, तो मैं उनसे थोड़ा पीछे हो गया, और बुरा तो लगता ही है जब आपके फ्रेंड्स पास हो जाते हैं और आप नहीं हो पाते हो, तो लेकिन ठीक है, लाइफ गोज ऑन, चलता है। उसके बाद आर्टिकल स्टार्ट हो गई, फाइनल्स की तैयारी करी। फाइनल जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो अगेन वो जो कॉस्टिंग थी मुझे थोड़ी कम ही समझ में आई शुरू से, या मुझे डर लगता रहा, मुझे समझ में आता था लेकिन मैं डरता था, बड़े क्वेश्चंस देख के, बड़े कंसेप्ट देख के मुझे डर लगता था कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे नहीं आएगा शायद। और इसी डर के साथ मैं प्रिपरेशन करता रहा और पढ़ता रहा और एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम में वही हुआ जो सी एंटर में हुआ था मेरे साथ, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट कर लिए जो कि मुझे नहीं करने चाहिए थे। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार क्वेश्चन पहले नहीं करना चाहिए था, लेकिन पहले शुरुआत के 1 घंटे में मैंने ऐसे क्वेश्चंस ले लिए जो मुझे लगता था कि हो जाएंगे लेकिन नहीं हो पाए, और उसी कारण मेरा पूरा पेपर बिगड़ गया और अगेन हिस्ट्री रिपीटेड और मैं नहीं कॉस्टिंग में क्लियर हो पाया। और बाकी पेपर्स मेरे ठीक हुए, एक पेपर में एग्जेम्पशन भी थी सी ए फाइनल में, बट वॉट इज़ द यूज़, आप ग्रुप तो क्लियर नहीं कर पाए। उसके बाद क्या था, उसके बाद अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स का सिलसिला चला हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट मुझे देना पड़ा, नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट मैंने दिया, नहीं हुआ। उस समय आई वॉज टीचिंग ऑल्सो सी ए स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे था कि यार अदर्स ये तो हो ही गया है, 3 ही पेपर बाकी हैं, कर लेंगे। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा सा फोकस डाइवर्ट हो गया, थोड़ी सी एज भी बढ़ गई थी, तो ऐसा लग रहा था यार सारे सी ए बन गए मेरे फ्रेंड्स, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग, दे हैव सेटल्ड इन देयर लाइफ, और मैं अभी तक सी ए नहीं हूँ। तो इन सब के बीच में मैंने एक चीज़ सीखी है लाइफ में, कि जब आप एक काम कर रहे होते हैं तो आपको फोकस एक ही काम पे होना चाहिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे ये करना है। हमारा सबका ऑब्जेक्टिव होता है लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम गिव अप कर जाते हैं, हम हार मान लेते हैं। जब आप हार मान लेते हो तब आप सच में हार जाते हो। तो डोंट गिव अप,
नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ फॉर अ डेटा माइन माइंड। तो आपको सोच लेना है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यू शुड हैव योर वाई क्लियर। कोई भी चीज़ को शुरू करते हैं और ख़त्म करनी होती है, बीच में मुश्किलें आती हैं, डरना नहीं चाहिए, डर का सामना करना चाहिए। जिस दिन आप डर को डराओगे उस दिन आपको डर नहीं डराएगा, उसके बाद आप डर के ऊपर जीत हासिल कर लोगे। तो मैंने भी यही किया, मैंने कॉस्टिंग को बहुत अच्छे से पढ़ा, मैंने पढ़ाना चालू करा कॉस्टिंग, और मेरी कॉस्टिंग इतनी अच्छी होगी, इतनी स्ट्रांग होगी कि मैं डरता नहीं था कॉस्टिंग से। कोई भी सम से नहीं डरता था, कोई भी कॉन्सेप्ट से नहीं डरता था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो कोई भी हो। मैंने बहुत मेहनत करी कॉस्टिंग के ऊपर, मुझे पता था कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं, मैंने उन पर मेहनत करी, बहुत प्रैक्टिस करी, क्रैश कोर्सेज भी करे, टेस्ट सीरीज भी दी, सब कुछ करा मैंने। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव मुझे क्लियर था कि मुझे सीए बनना है, मुझे पास होना है, चाहे कितने भी अटेम्प्ट्स लग गए हों, बट मैं ये कर सकता हूँ और मैं करूँगा, और मैंने करा। और जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, देर इज़ नो डिफरेंस। डिफरेंस कहाँ होता है? हमारी सोच में, हमारे माइंडसेट में। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, जब हम पॉजिटिव नहीं रहते हैं, जब हम अपने आप पे विश्वास नहीं रखते हैं, हम कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, तो हम फेल हो जाते हैं। और सबका एक टाइम जोन होता है, सबका एक व्हाट आई कैन से, सबकी डेस्टिनेशन ऑलरेडी तय है, लेकिन आपको लक पे बिलीव नहीं रखना है, आपको अपने एफर्ट्स पे बिलीव रखना है। दूसरी चीज़ जो मैंने पहले ही बताई थी वो, कि आपको 100% एफिशिएंट स्टडी करनी है। दैट मीन्स कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए कि मैं 1 घंटे बैठा हूँ, 2 घंटे बैठा हूँ, मेरा ये टारगेट है, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है, मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। इस तरीके से अपने टारगेट्स आप सेट करेंगे तो डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे। इस वीडियो को हरिवंश राय जी बच्चन जो महान कवि हैं, उनकी पंक्तियों से फिनिश करना चाहूँगा, जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत मोटिवेशन देती है, और मुझे विश्वास है कि आपको भी मोटिवेशन मिलेगा इन्हें सुन के। ये है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और आपकी भी हार नहीं होगी, बस शर्त है आप कोशिश करते रहें और मन में विश्वास रखें कि मैं पास ज़रूर होऊंगा। और जिस दिन आप पास हो जाओ मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।